आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ राजकुमार हिरानी की डंकी मूवी के बारे में। इस मूवी के बारे में शायद अभी बहुत से लोगों के दिमाग में मिक्स्ड रिव्यूज ही होंगे, कुछ लोग अच्छे बोलेंगे, कुछ लोग बुरे बोलेंगे, बट ये मूवी मुझे कहीं ना कहीं रिलेटेबल लगा है। जो भी प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है वो प्रॉब्लम्स ही मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल तो लगा ही है। और इस वीडियो में मैं आगे सिर्फ मूवी के बारे में नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ के भी बारे में थोड़ा बहुत बात करूंगी। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो बेसिकली इस मूवी का प्लॉट क्या है? प्लॉट यही है कि पंजाब के एक छोटे से गांव में कुछ लोग रहते हैं जो कि अपने फैमिली को एक बहुत ही अच्छा लाइफ देना चाहते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, किसी ना किसी तरीके से पैसे वैसे जोड़ के लंदन पहुंचे। उनमें से एक का वीज़ा लगा, वो पहुंचा, और उनमें से बाकियों का वीज़ा तो लगा नहीं, तो वो लोग सीधे रास्ते से ना हो सके तो टेढ़े रास्ते से डंकी मार के लंदन पहुंचने की कोशिश किया। और पहली बात तो डंकी मारना इतना आसान है नहीं, इमिग्रेंट बनके वहां पर पहुंचने का रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा खतरों से भरा है, और उस खतरों से भरे रास्ते को भी खतरों से भरा हुआ ही दिखाया गया है। तो हाँ, जो कि ऐसे होते हैं, बहुत से लोग, बहुत से इमिग्रेंट, मतलब हर साल पता नहीं कितने लोग ऐसे ही अपने फैमिली को बस एक अच्छा लाइफ देने के लिए इस तरीके से डंकी मार के लंदन जाने की कोशिश करते हैं, और उस चीज़ को अच्छे तरीके से मूवी के अंदर पोर्ट्रे किया गया है। ऑन द अदर हैंड मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी ही ज़्यादा मतलब फनी लगा मुझे। फिर फर्स्ट हाफ के बीच में से ही मूवी सीरियस होना चालू हो जाता है, और जब सेकेंड हाफ में पहुंच जाता है तब तो बिल्कुल सीरियस मोड में ही चलता है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, कैसा कैसा प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये सब कुछ मूवी के अंदर दिखाया जा रहा था। अगर बात कर लूँ मूवी के थोड़े बहुत मैं बुराई करना चाहूँ तो ऐसा है कि बीच बीच में मूवी मुझे थोड़ा बहुत बोरिंग लगा, बट ठीक है, थोड़ा सा ही था, वो हम झेल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि एकदम सह ही नहीं सकते हो, क्या ही तो दिखाया जा रहा है। बट हाँ, मूवी का और भी एक मतलब मुझे चीज़ें बुरा लगा। देखो, शाहरुख खान जब डायलॉग देता है, शाहरुख खान जब इसे लेक्चर देता है ना, वो एकदम दिल पे यहाँ हर्ट करना चाहिए। इस मूवी में ना वो मुझे कहीं ना कहीं फील नहीं हो रहा था, ये एक अजीब सा चीज़ है। बट फिर भी मैं बोलूँगी इस मूवी के गाने बढ़िया है, और जो लव स्टोरी दिखाया गया है ना यार, वो मेरा टाइप का लव स्टोरी है, क्योंकि मुझे है ना ये मेंटल कनेक्शन वाला लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हाँ, इस तरीके का लव स्टोरी भी है। तो देखो, मूवी में बहुत सी चीज़ें अच्छी है, और कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत मतलब हो नहीं पाया, बट जो प्रॉब्लम इस मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश किया गया है वो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। देखो, मैं जब छोटी सी बच्ची थी तब ना मेरा और एक छोटी सी बच्ची सी फ्रेंड थी, मतलब हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हुआ करते थे। अभी तो मतलब हम लोग और फ्रेंड्स नहीं हैं, क्योंकि किस्मत। तो वो कुछ साल पहले हाँ अब्रॉड चली गई थी, उसके फैमिली वाले भी अपने जो भी जायदाद वायदाद थे वो सब बेच के अब्रॉड चले गए थे, तब वो इंडिया में रह रही थी। फिर कुछ टाइम के बाद वो भी बड़ी हुई, उसका भी वो स्टूडेंट वीज़ा लगवा के अब्रॉड गई, मतलब एकदम पापड़ पागल बन गई थी अब्रॉड जाने के लिए। मतलब उसको मैं फ़ोन करती थी, मिलने जाती थी, बस उसके दिमाग में हर जगह पर सिर्फ एक ही बात हुआ करता था कि मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे अब्रॉड जाना है। बोलती थी ठीक है, चली जाएगी, मतलब इतना क्या जल्दी है, देख हम भी तो है ना यहाँ। तो उसको बस जाना था, ठीक है। तो वो ऐसे एक दिन, तब मैं बाहर कहीं काम करती थी, तो उस टाइम पे ही वो चली गई, तो लास्ट टाइम तो मैं उससे मतलब मिल भी नहीं पाई जाने से पहले बेसिकली। तो हाँ, वो चली गई, बट उसके बाद भी हम लोग व्हाट्सएप में मतलब फ़ोन में हमेशा कनेक्टेड ही रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, कुछ टाइम के बाद वो ऐसे फ़ोन की, बहुत वो डिप्रेस्ड थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, तो बोल रही है कि यार यहाँ पर खर्चे बहुत ज़्यादा है, पता है मेरा तो, मैं आई थी यहाँ पर स्टूडेंट बनके, मेरा तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कॉलेज का फीस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा भी मेरा कैंसिल हो गया है। तो मैंने बोला कि फिर तू वापस आ जाना है यार, यहाँ पर आ जा, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, मास्टर्स कर ले, कहीं ना कहीं तुझे जॉब मिल जाएगा। फिर वो बोली कि नहीं, मुझे वहीं पर ही जॉब करना है, मुझे वहीं पर ही रहना है। तो मैंने, चलो उस टाइम पे भी मैंने उसको बोला कि ठीक है, तुझे वहीं पर ही रहना है ना, तू रह। बट यार आगे की मैं क्या ही बताऊँ उसके ज़िंदगी का, पागल होती जा रही थी वो। एक दिन अचानक से मुझे पता चला कि उसने अपना कास्ट बदल दिया। देखो, मुझे ना किसी भी इंसान के कास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहे जो भी हो, इफ़ यू आर गुड टू मी आई विल गुड टू यू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, और मुझे सच्ची में फ़र्क नहीं पड़ता है। बट उसे ना, जब वो इंडिया में थी उसे बहुत फ़र्क पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। फिर वो वहाँ पर
मर गई, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने बोला कि हुआ क्या है भाई, पहचान नहीं पा रही हूँ मैं तुझे। तो वैसे बोल रही है कि नहीं, क्रिश्चियन बन जाओ तो काफी फैसिलिटीज भी मिलते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने बोला जॉब वॉब कर रही है, तो बोले कि हाँ कर रही हूँ, एक स्टोर में काम करती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, बट वहां पर तो तू पढ़ भी नहीं पा रही है क्योंकि पढ़ाई का खर्चा भी काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर आजा, अपना पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर, ठीक है, पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट वम्प्लीट करके फिर से अपना अच्छा सा जॉब वॉब लगा के, कनेक्शन वनेक्शन लगवा के फिर तू वहां पर जा, अच्छा खासा जॉब लेके जा। बट नहीं, उसको वहां पर एक स्टोर में काम करते रहना है, अपना पढ़ाई नहीं कंप्लीट करना है। और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी। फिर मैंने उसको बोला तुझे वापस क्यों नहीं आना है, तो उसने मुझे एक बात बोली थी कि मैं वापस आ गई ना तो मेरे रिलेटिव जो है वो क्या बोलेंगे। मैंने बोला रिलेटिव के लिए वापस नहीं आ रही है, मतलब क्या फुद्दू सा रीजन है, ठीक है, ये सुनने में लगता है ना फुद्दू सा रीजन है, बट ये नहीं है। यहाँ पर भी यही चीजों को दिखाया गया है, क्योंकि वहां पर जाके ना क्या हो जाता है, लोग ऐसे इंस्टाग्राम पे यहाँ वहां, अभी तो इंस्टाग्राम आया है, पहले के टाइम पे भी लोग होते थे फोटोज वगैरह भेजा करते थे, अभी भी वैसा ही है, लोग ऐसे फोटोज वगैरह भेजते हैं, तो हम ऐसे फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ मेरी वो दोस्त है वो ब्रॉड में रहती, उन्हें पता नहीं शायद दिमाग में क्या होता है कि उन्हें अच्छा लगता है सुनने में। फिर अचानक से मैंने एक दिन उसको काफी प्यार से और भी अच्छे तरीके से समझाने के लिए बोला कि यार तू वापस आ जा, वहां तेरी लाइफ मुझे नहीं लग रहा है कि अच्छा है। पहले तो उसने एक बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ा, पता नहीं क्या हुआ उन लोगों के बीच। फिर एक दिन रोते हुए मेरे को बोली कि यार वो किसी दूसरे से शादी कर रहा है ताकि उसको ग्रीन कार्ड मिल जाए वहां का। तब मेरे को ये भी समझ में आया कि अरे यार देखो, ग्रीन कार्ड मिलने के लिए वो ये सब करते हैं लोग। और इस मूवी में भी दिखाया गया है कि हाँ यार वहां पर रहने के लिए ये ऐसे ऐसे मतलब शादियां होती है, जो कि एकदम प्रॉपर प्रॉपर वाला है, और जो कि स्टूडेंट वीजा वगैरह का चमड़ी मैटर होता है ना, इस चीज को भी यहाँ पर अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो मतलब देखो, अगर आपके पास पैसा है आप लोग फीस भर सकते हो भर भर के, तो हाँ जाओ वहां पर, मतलब रह के आप लोग आ सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या ही बन के रह जाओगे। और वही दिखाया गया है कि हम लोग जब यहाँ से बिना एडुकेशन के जाते हैं तो कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, कितना ज्यादा, मतलब इतना हार्डवर्क कि सोचना ही नहीं है। गटर साफ करने से शुरू करके मतलब दुकानें साफ करना, यही सब कुछ चलता रहता है। तो लास्ट टाइम मैंने उसे बोली थी कि तू वापस आ जा, उसको नहीं आना था। फिर एक दिन उसने मुझे एक अजीब सा बात बोला था, उसके बाद पता नहीं मेरे अंदर का वो इंडियन जाग उठा था। मैंने बोला क्या बकवास चल रहा है ये, उसने मेरे को ऐसे बोला था कि, मैंने बोला कि चल ठीक है कोई बात नहीं, तूने कास्ट वास अपना चेंज कर लिया उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ऐसे मेरे को बोल रही थी, उसके कुछ ऐसे रिलेटिव से जिन लोगों को पता चला है कि वो क्रिश्चियन बनी है, तो उन लोगों ने उसे ताना मार के बोला है कि क्यों बनी है ये वो। तो ऐसे मेरे को बोली कि हाँ वो लोग पता है मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे थे, उन्हें क्या पता कि हाँ यार उसका पहला जो भी कास्ट था, हाँ रेस्पेक्टफुली उसने ऐसे अपने कास्ट के बारे में बोला, इतने सारे रिचुअल्स फॉलो करना पड़ता था, ये सब कुछ करना पड़ता था, यहाँ पर है ना एक ही बस मतलब रिचुअल होता है, इतना ज्यादा रिचुअल्स भी नहीं होते, सब कुछ सिंपल सिंपल सा है। मैंने बोला भाई देख, मतलब तब हुआ मुझे, पता नहीं मुझे बहुत बुरा लगा था वो बात सुन के कि हाँ यार ये दिल हिंदुस्तानी ही है, ठीक है, तब जगा था मेरे अंदर का शाहरुख खान, जवान जाग उठा था, मेरे को आ गया था गुस्सा। मैंने तब मतलब वो इतना दूर रहती है, उसको बुरा भी लग सकता है, और वो काफी मतलब है ना कि वहां पर जाके ऐसी भी नहीं है कि काफी ज्यादा दोस्त वोस्त बना रही है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो मुझे को कॉल किया करती थी। तो अभी उसने मतलब मैं उसको कुछ बोली नहीं थी, मैंने बोला देख ऐसी कोई बात नहीं है, तुम रह सकते हो ऐसे भी, ठीक है, नॉर्मली। तो ये सब कुछ हुआ, अभी उसके साथ मेरा कनेक्शन नहीं है, वो भी एक फुद्दू से रीजन की वजह से, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड, ठीक है, फिर से उसका कोई बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना था, उसको मैं पसंद नहीं आई, मतलब ठीक है मैं बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती हूँ, बट मैं उसको इसलिए पसंद नहीं आई थी क्योंकि मैंने उस मतलब उसने मुझे ऐसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने उसको देख के एक बस लव्स बोली थी ये कि मेरे दोस्त का दिल मत तोड़ना वरना मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी, ठीक है, क्योंकि पहले भी उसके साथ ये अजीब सा चीज हुआ था, साथ में बस मैंने एक छोटा सा गाड़ी दे दिया था। अब वो बंदा बिल्कुल पागल हो गया भाई साहब, ठीक है, सच्चे में बोल रहे हो, मतलब क्या स्टोरी है, मतलब भाई एकता कपूर भी हिल जाएगा ये स्टोरी सुन के। वो बंदा ऐसे बोल दिया कि अरे यार मैं क्रिश्चियन हूं, मैं गाली नहीं सुन सकता हूं। मैंने बोला अरे भाई हुआ क्या, फिर मेरा फोन कट हो गया, मुझे उसने ब्लॉक कर दिया। बोला भाई चल क्या रहा है जिंदगी में, हो क्या रहा है, मतलब मैंने गाली नहीं दिया था उसको, इट्स लाइक अपने
बोला था, ठीक है, ओ सॉरी, उसने मुझसे ऐसे पूछा था कि तेरी जिंदगी कैसा चल रहा है, तो मैंने अपनी जिंदगी को गाली दे के बोला था कि हाँ यार मेरी जिंदगी तो ऐसी चल रही है, ठीक है। वो बंदा पागल हो गया भाई, और उसको उसने उसको बोला कि मेरे साथ बात ना करने के लिए, और उसने तब से लेके आज तक मुझसे कभी सॉरी भी नहीं बोली। उस पागल को समझ में भी नहीं आ रहा है कि मुझे पता नहीं यार, जितने भी लोग अब्रॉड गए हो ना, मुझे सच्ची में वापस आ जाओ, पागल ना होना है वहां पर। और यहाँ पर जो चीजें दिखाई गई कि रेसिस्ट हो जाना, रेसिस्ट लोग सही में हो जाते हैं, सही में बोल रही हूँ, मतलब रेसिस्ट ऐसे नहीं, इंडियन जाके वहां रेसिस्ट नहीं हो जाते, वहां के लोग रेसिस्ट होते हैं। क्योंकि मेरे और एक दोस्त है जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा वाला मेरा क्लोज है वो, तो उसके साथ भी अजीब सा इंसिडेंट हुआ था जब वो बाहर पढ़ने गया था, वो वापस आ गया है, ठीक है, उसको नहीं रहना था वहाँ, वो अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, वो वापस आ गया, और उसको अगर अभी भी हम पूछते हैं कि यार तू बाहर जाके सेटल होगा, तो उसका ऐसे चेहरा बजाता है कि नहीं, ठीक है, मैं बाहर घूमने जाऊँगा, देश घूमूंगा, बट सेटल नहीं होना है वहाँ, क्योंकि वहाँ के लोग होते, मतलब कहीं कहीं ऐसे सारे लोग तो नहीं होते ना, जैसे कि हमारे देश में सारे लोग अच्छे थोड़े होते हैं, बट सारे लोग बुरे भी नहीं होते, तो वहाँ पर भी ऐसा है। तो एक दिन वो ऐसे रास्ते में चल रहा था, तो कोई उसको ऐसे देख के, हाँ मतलब है ना कि एकदम गाली दे के, हाँ इंडियन से तुम लोग यहाँ रहते हो, ये करते हो, ऐसे उसको बोला था, तो उसको ये सुन के काफ़ी बुरा लगा था। और इनफैक्ट मतलब उसका, अगर उसको अगर आप मारोगे, कुछ भी होगा ना, तो पुलिस आपको उठा के लेके जाएगा, उसको कुछ सजा वजा नहीं होगा, सजा तो आपको ही होने वाला है, और फिर आपके घर वाले, ठीक है, आपकी कुटाई करेंगे कि तुम्हें दिमाग गर्म करने की क्या जरूरत था, मतलब ये सबसे घटिया चीज होता है। तो हाँ यार, जितने भी लोग, आप लोग पाउंड में कमाना चाहते हो, डॉलर में कमाना चाहते हो, यार प्लीज, मैं सच्ची में बोल रही हूँ, ये सब कुछ चीजों के चक्कर में प्लीज मत पढ़ना, अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, खुद को मतलब अच्छे तरीके से खुद को बना लो, फिर वहां पर जाओ। क्या है यार, बेइज्जत भी तो होना है, विदेश में जाके होना है, ठीक है, चलो जो भी हो, हर किसी का अपना अपना मजबूरी होता है, मैं सबकी मजबूरियां समझ नहीं सकती हूँ, बट हाँ इस मूवी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स दिखाया गया है, मुझे लगा कि वो एकदम सही प्रॉब्लम है। कुछ खामियां तो डेफिनेटली मूवी में है, बट चलो माफ किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, मूवी के म्यूजिक काफी ज्यादा अच्छे थे। और अगर आज का ये लंबा सा बकबक आप लोगों को अच्छा लगा है, छोटा सा मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगा है, मेरे पर्सनल स्टोरीज अच्छे लगे, तो हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।